Hello everyone, so I am here to discuss you with a new chapter that is Fundamental Geometrical Concepts. It is a very important chapter for geometries. So here are the points we are going to discuss. The first point is point. So point kya hota hai? Point kya hota hai? Ek mark hota hai jahan pe aap denote karte hain. Isko hum log hamesha capital letter se bhi denote karte hain, theek hai? Line segments kya hota hai ki aise ek line bani hoti hai uske end points hote hain. और उस इन पॉइंट्स के कुछ ना कुछ नाम होंगे, जैसे कि लेट अस सपोज ए और बी मैंने ले लिया, तो अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, स्पेसिफाई है, लेट अस सपोज कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके पास क्या है, दो एंड पॉइंट्स है, एक ये एंड पॉइंट्स है, एक ये एंड पॉइंट्स है, हैविंग टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। डेफिनेट लेंथ का मतलब होता है, डिफिनेट का लेंथ का मतलब होता है कि उसकी जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, मतलब अगर 5 सेंटीमीटर की लाइन है तो मतलब ये फिक्स्ड है, ठीक है। इसमें आप वैरी नहीं कर सकते, ना इधर बढ़ सकते ना इधर बढ़ सकते। थर्ड वन इज लाइन। लाइन क्या होता है कि आपके दोनों साइड आप देख रहे होंगे कि एक एरो बना हुआ है। एरो मीन्स होता है कि इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली, मतलब आप दोनों तरफ अनलिमिटेड ही दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, चाहे इधर बढ़ाना हो इधर बढ़ा सकते हैं, चाहे इधर बढ़ाना हो इधर बढ़ा सकते हैं। नो डेफिनेट लेंथ मतलब इसका क्या है, इसकी लेंथ कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके कोई भी नो एंड पॉइंट्स, इसके दोनों ही एंड पॉइंट्स नहीं होते, क्योंकि दोनों साइड से आप इधर ए को एलोंगेट कर सकते हैं, इधर बी को एलोंगेट कर सकते हैं, कहां तक ले जा सकते हैं कोई स्पेसिफाई नहीं है। अब आते हैं फोर्थ वन इज रे। रे को क्या करते हैं कि हम हमारे पास एक एरो हेड होता है जो कि आप एंडलेसली आप बढ़ा सकते हैं, दूसरे साइड आपका क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब रे हैज ओनली अ वन एंड पॉइंट, रे हैज ओनली अ वन एंड पॉइंट एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली एट वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से उसको इंडेंसली आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए बी वेक्टर, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट्स को, ए बी और उसके ऊपर एक लाइन, ठीक है। लाइन सेगमेंट सॉरी इसको ऐसे कर सकते हैं, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, एक वेक्टर टाइप का ऐसा लाइन खींच सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, मीट कर रही होगी। लेट अस सपोज कि ये जीरो पे दो लाइन है, एक एल है और एक एम है, ठीक है। एल एम दो लाइन्स है, लाइन सेगमेंट लाइन्स है, और ये दोनों क्या है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब मिल रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इसके बाद आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, इट कैन नॉट बी इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है कहीं पे भी पॉइंट पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। कॉन्ग्रुएंट लाइंस की एक ही पॉइंट से, अगर आपकी एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइंस जनरेट हो रही है, कॉमन पॉइंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट्स, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेस, मतलब जो है मतलब होता है क्या है कि इस पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेस। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेस, ठीक है। इसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट में, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसमें अगर अनलिमिटेड पॉइंट्स होते हैं या फिर कह सकते हैं थ्री और मोर पॉइंट्स होते हैं सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। इसमें क्या है, थ्री और मोर लाइंस इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट, दैट इट इज सेड टू बी अ कॉन्ग्रुएंट लाइंस। पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन मतलब पॉली का टर्म मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। अगर बहुत सारे लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा कोई भी शेप, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। सो फर्स्ट वन इज ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है कि थ्री साइड्स होते हैं, ठीक है, थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री वर्टेक्स होते हैं। इसको और डीपली पढ़ेंगे आगे वाले वीडियोस में।
क्वाड्रिलेटर हैविंग अ फोर और थ्री और मोर लाइन सेगमेंट्स, पेंटागॉन हैविंग अ फाइव साइड्स, ठीक है, फाइव लाइन सेगमेंट से बन के लगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटागॉन। हेक्सागॉन हैविंग अ सिक्स साइड्स, मतलब अगर सिक्स साइड से मिलकर बना होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सागॉन। अब इसमें लास्ट पॉइंट क्या है टेंथ वाला, लीनियर बाउंड्रीज एंड कर्वीलीनियर बाउंड्रीज। तो लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट, अगर कोई भी बाउंड्रीज स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बाउंड्रीज। पर अगर कर्वीलीनियर की बात करें, अगर कोई भी फ्लैट या सर्कल या फिर ऐसा टाइप का कर्व के हिसाब से मिलके बने होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्वीलीनियर बाउंड्रीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।